vice president, Kim Song Dong-un hai. Ye top 10 dono Dharamsala se aaya hai, number 1. Ye women association isliye aaye hai ki param pujya Dalai Lama ne भारत में माइग्रेशन करके जब शरण स्वीकार किया, आज उसको 60 साल हो रहे हैं, तो तिब्बती पीपल अबाउट मोर देन 1,25,000 कितने तिब्बतियन लोग यहाँ. हमने भारत में उनको आश्रय दिया, भारत में उनको जमीन दिया, कॉलोनी बनाया, कुछ और भी किया, और तिब्बत को यहाँ धर्मशाला में तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल, तिब्बतियन गवर्नमेंट एक्साइल को भी काम करने के लिए हमने दिया. और तिब्बत की फ्रीडम के लिए 60 साल तक क्या है वो लोग काम कर रहे हैं. इनकी तीसरी जनरेशन है, अभी तक उनको आजादी नहीं मिली है, ये आजादी के लिए लड़ रहे और उसमें भारत का सहयोग है. परम पूज्य दलाई लामा कहते हैं कि भारत मेरा गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ, तो गुरु को शिष्य को हेल्प करना चाहिए. इसीलिए उन्होंने पहले प्रोग्राम बनाया है कि हम 60 साल यहाँ रहे. आज के दिन 2019 का नया साल के लिए गुजरात के पब्लिक सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहते हैं. और सेकंड जो है अभी यहाँ पर डॉक्टर पी के जोगेश्वर और डॉक्टर पी जी जोगेश्वर एंड एडवोकेट संदीप पी जोगेश्वर एंड महिंद्रा यूपी उपाध्यक्ष सबको ऑल ऑफ तिब्बत सपोर्ट ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि तिब्बत की सिचुएशन बहुत बुरे हाल में है, इसी की कारण से तिब्बत सपोर्ट ग्रुप हम लोग साथ दे रहा है और सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ. मैच्योर एनवायरनमेंट वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन नेशंस India and China and other countries including Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Burma, Thailand, Vietnam, Laos and Cambodia. The Tibetan Plateau is now facing great danger from major environmental degradation which is both man-made and natural. However, various environmental challenges on the Tibetan Plateau are due to human-induced factors, more specifically through serious and unplanned development policies by China in Tibet, which resulted in grassland degradation, glacier and permafrost melt, in dangerous wildlife, water pollution, deforestation, desertification, threat to Asia water security and service, climate change in Tibet affecting whole of Asia and world at large. Based on aforementioned most urgent issue in Tibet under the repressive communist Chinese rule, Tibetan Women Association hereby appeal to the central and state governments of India to kindly support us regarding the following issue. अभी ये जो हमारा appeal 4 point जो है वो हिंदी में नहीं है, अभी मैं अंग्रेजी में पढ़ लेती हूँ. मैं थोड़ा दो शब्द बोलना चाहती हूँ. अभी जो हम लोग जो मैं अभी थर्ड जनरेशन का हूँ तिब्बतन, इंडिया का बहुत बड़ा थैंक सपोर्ट रहा है अब तक, क्योंकि अभी जो हम लोग 3 मसला लेके आए हैं वो पहली जो है अपना दुख हो तो अपना परिवार के साथ शेयर करते हैं. इंडिया जो अभी हम लोग का परिवार की तरफ जैसे है, क्योंकि अपने दूसरा देश से पहले अपना परिवार के साथ सपोर्ट मांगना चाहिए. इसीलिए हम लोग आज 3 पॉइंट के लेकर इंडिया को, इंडियन लीडर्स को, इंडियन पीपल्स को सपोर्ट मांगने के लिए आए हैं. अब तक हम लोग, मैडम जी ने बताया, अब तक हम लोग दिल्ली से शुरू होके वोट ह्यूमन राइट्स डे से शुरू होके अभी तक राजस्थान में किया है, मैडम ने बोला है राजस्थान 8 जगह पर किया है हम लोग, 8 जगह से 7 जगह तक हम लोग तो मैं
थैंक यू इंडिया इसलिए कहना चाहता हूँ, तो इस देश में अभी 60 साल हुआ है, तो एक ये हमारे एग्जाम गवर्नमेंट ने इस साल एक इंडियन लोगों को टिबेटन को पहचानने के लिए कि हिंदुस्तान ने हमें आज तक 60 साल में कितना सपोर्ट किया है, एक घर में अपने भाई की जैसे रखा है, हर चीज़ में सपोर्ट किया है, तो इसलिए ये थैंक यू इंडिया के वर्ष हमारा एग्जाम गवर्नमेंट ने धर्मशाला से 2018 जनवरी से स्टार्ट किया हुआ है, तो इसलिए इस बार जो थैंक यू इंडिया सिर्फ गुजरात में नहीं ऑल इंडिया में हो रहा है।